प्रेरणा कथा। रहीम अमेरिका जाएगा, उसको भी आखिर एक साधारण सी अनजान कब्र में ही सोना होगा। भले ही उसने उन लोगों की कितनी भी मदद की हो और पूरी वफादारी दिखाई हो। नदी के किनारे उसकी कब्र को एक दिन जंगली कुत्ते खोद देंगे और फिर बाकी रह जाएगी सिर्फ उसकी हड्डियां, जो उसके जैसे अन्य लोगों को याद दिलाएंगे कि अमेरिका के वादे समुद्र के किनारे की रेत पर लिखी इबारत जैसे ही होते हैं। समझने वाले उसकी हड्डियों को देखकर ही समझ जाएंगे कि अमेरिकन सरकार के वचन और वादे एक गीले पतले कागज की तरह ही होते हैं, जो कागज कैंचियों से बने घर में इधर से उधर उड़ता रहता है। रहीम को अमेरिकन सरकार ने वचन दिया था कि उसको अमेरिका में एक नया जीवन दिया जाएगा। 5 वर्षों तक रहीम ने एक अनुवादक और एक फौजी के रूप में अमेरिकन फौजों का साथ दिया था और कई बार उसने अपनी जान भी जोखिम में डाली थी। बहुत से अमेरिकन सिपाहियों ने तो खुलकर रहीम का आभार व्यक्त किया था। कई बरस पहले अपने शहर मजारे शरीफ से लोगार प्रांत एक अनुवादक बनने के लिए आया था। उसके परिवार के सभी लोग युद्ध में मारे जा चुके थे। अफगानिस्तान में लोगों का युद्ध में मरना कोई खबर भी नहीं बनती थी उन दिनों। रहीम ने 5 वर्षों तक अमेरिकन फौजियों का साथ दिया था। उससे वादा किया गया था कि कुछ वर्षों के बाद उसको अमेरिका का वीज़ा दे दिया जाएगा और फिर वो अमेरिका जाकर एक नया जीवन शुरू कर सकेगा। रहीम के वीज़ा की अर्जी को कई बार ठुकरा दिया गया था। उसने बहुत से फौजी अफसरों और अमेरिकन नेताओं से सिफारिश की चिट्ठियां अपनी अर्जियों के साथ लगाई थी, पर हर बार उसकी अर्जी ठुकरा दी गई थी। वो तो बेचारा काबुल में अमेरिकन राजदूतावास के चक्कर लगाते लगाते थक गया था। अमेरिकन लोगों के जीवन के बारे में और बहुत कुछ जानने के लिए उसने सैकड़ों अमेरिकन फिल्में देख ली थी और वो तो बात बात में रैम्बो के डायलॉग भी बोलता था। राजदूतावास में उसकी बातें सुनकर अमेरिकन कर्मचारी हंसते थे। वो 3 वर्षों तक इसी तरह वीजा प्राप्त करने के प्रयास करता रहा। उसको उम्मीद थी कि अमेरिकन सरकार उसके साथ किए गए वादे को निभाएगी और उसको अमेरिका ले जाएगी। एक दिन कुछ नए फौजी अमेरिका से अफगानिस्तान आए। रहीम को उनका अनुवादक बना दिया गया। उसने उनके साथ 3 महीने बिताए। युद्ध समाप्त होने वाला था और अमेरिकन फौजी वापस अमेरिका जा रहे थे। एक रात रहीम उन नए आए फौजियों के साथ एक खंडक में छुपकर बैठा था। उसके साथ 2 अमेरिकन रोमियो और टर्नर थे। वो नहीं जानता था कि वो दोनों CIA के आदमी थे। उनके पास टेलीस्कोप लगी हुई बंदूकें थी। वो टेलीस्कोप रात को भी देख सकते थे। हर चीज़ हरी हरी और प्रकाशमान दिखती थी उन टेलीस्कोपों की मदद से। टर्नर ने रहीम से पूछा, जब तुम्हारा अमेरिकन फौज से कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो जाएगा तो तुम क्या करोगे? रहीम ने कहा, अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता मेरे दोस्त, न जाने कब अमेरिका जाऊंगा। टर्नर ने कहा, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि उन्होंने तुमको अमेरिकन वीज़ा देने से इनकार कर दिया है। तुमने तो अमेरिका का 5 वर्षों से साथ दिया है और उनको बहुत मौक़ों पर बचाया भी है। क्या तुमने हमारे दस्तखत वाले पत्र दिखाए थे? रहीम ने कहा, मैंने उनको सिफारिश की 40 चिट्ठियाँ दिखाई थी, पर उन्होंने वीज़ा नहीं दिया। तुमको सरफराज याद है, जब तुम शुरू में आए थे वो यहीं पर था। उसको मार दिया गया है। कोई कहता है अमेरिकन फौजी ने ही मारा है, पर कोई कहता है कि मुजाहिदों ने मारा है। वो बेचारा काबुल में टैक्सी
चलाने लगा था, पैसे कमा रहा था। और अब परिवार पाल रहा था। शायद मुजाहिदीनों ने उसको काबुल में देख लिया और मार दिया, क्योंकि उसने अमेरिकन फौजियों का साथ दिया था। टर्नर मेरे कॉन्ट्रैक्ट की समाप्ति के बाद मैं अफगानिस्तान में नहीं रह ही नहीं सकूंगा। मुझे तुम लोगों को अमेरिका लेकर जाना ही होगा। सरफराज को उन्होंने दिन दहाड़े सर पर गोली मार दी। टर्नर ने कहा, काश मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता। रहीम ने कहा, नहीं, तुमसे मुझे कोई शिकायत नहीं है, तुम्हारे देश अमेरिका से मुझे शिकायत है। काम निकल जाने के बाद एक मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंक देते हैं। अच्छा, वो जगह कौन सी है जहां समुद्र है, बीच है, लड़कियां हैं और छाते के नीचे पड़े हुए लोग धूप का मजा लेते हैं? टर्नर ने मुस्कुराकर कहा, कैलिफोर्निया, बहुत खूबसूरत लड़कियां होती हैं वहां। तुम अमेरिकन फौजी लोग खूबसूरत लड़कियों को क्या कहते हो? हाँ हाँ, याद आया, बजूका है कि नहीं? टर्नर हंसने लगा और फिर बहुत ही गंभीरता से अंधेरे में देखने लगा। इधर अंधेरा था कि ना तो टर्नर को रहीम को देख सकता था और ना ही रहीम टर्नर को। हाँ, टर्नर के पास वो टेलीस्कोप वाली बंदूक थी जिसमें से रात को भी दूर तक देखा जा सकता था। सब हरारा दिखता था उस टेलीस्कोप से रात के अंधेरे में। टर्नर ने अपने टेलीस्कोप में देखा और बोला, कुछ मुजाहिद दिख रहे हैं, सांस रोक कर बैठो, मैं एक दो को तो गिरा ही देता हूँ। टर्नर ने अपनी साइलेंसर वाली स्नाइपर गन से टेलीस्कोप में देखकर गोली चलाई और फिर फुसफुसाया, एक तो गया, सीधी सर में लगी है गोली। टर्नर ने फिर रहीम से कहा, हम लोग भी परसों वापस अमेरिका जा रहे हैं, अब हमारा काम यहाँ समाप्त होने वाला है। तुम अच्छे आदमी हो रहीम, पर हम अपनी ड्यूटी से बंधे हुए हैं, अब खतरा नहीं है, तुम चाहो तो वापस कैंप में जा सकते हो। रहीम धीरे से उठा और अंधेरे में एक दिशा की तरफ चल दिया। जब वो काफ़ी दूर पहुंच गया, टर्नर ने अपनी बंदूक के टेलीस्कोप में से उसको देखा। रहीम का हरा शरीर दिखा। टर्नर ने उसके सर का निशाना लिया और बोला, रहीम क्या करूं दोस्त, तुम जैसे अपने पुराने साथियों को हटाने के लिए ही हम जैसे लोगों को इस बार अफगानिस्तान भेजा गया है। टर्नर ने गोली चलाई और फिर अपने टेलीस्कोप में से रहीम को नीचे गिरते हुए देखा। उस समय CIA के उस क्रूर अफसर की आंखें भी नम हो गई थी। वो उठकर अंधेरे में रहीम की लाश की तरफ चलने लगा। उसकी लाश के सामने खड़े होकर टर्नर ने सलाम किया और फिर फुसफुसाया, तुम लोग किस मिट्टी के बने हुए हो मेरे अफगान दोस्तों, तुम दोस्ती के लिए जान ही देते हो और हम लोग कितने नीच है कि दोस्तों की ही जान ले लेते हैं। टर्नर बंदूक नीचे रखकर रहीम की लाश को दफनाने के लिए कब्र खोदने लग गया। बहुत बहुत धन्यवाद।